हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट सॉल्यूशन में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है फॉरेस्ट के ऊपर, जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं जो कि हमने शो किया हुआ है। टोटल पांच होते हैं बट हमने चार को शो किया हुआ है। चार पार्ट में आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, ये चार पार्ट में हमने कन्वर्ट किया हुआ है और चारों पार्ट में अलग अलग फॉरेस्ट को शो किया हुआ है। उस फॉरेस्ट में जो ट्री होते हैं वो क्या कैसे होते हैं और उसका एनिमल जो होते हैं, वहाँ का वेदर, बाकी चीज़ तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करने वाली पार्ट है, वेदर तो हम शो नहीं कर सकते बट ये सारा चीज़ ट्री और वहाँ के एनिमल से हम सो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कहाँ के फॉरेस्ट हैं। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे सीन क्रिएट किए हुए हैं जो कि आप देख रहे हैं। और ये मॉडल भी आप लोग भी इजीली तरीके से बना सकते हो। आगे हम सारा प्रोसेस बता देंगे आपको कैसे बनाते हैं। और अगर इसे आप ऑर्डर करना चाहो तो ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी सर्विस है, विद इन वीक आपको रिसीव हो जाएगा। एज इट इज सेम मॉडल मिलेगा जो कि आप देख रहे हैं और ये किट फॉर्म में मिलेगा आप लोग को। जिस तरह का हमारा और भी आप हमारा कोई भी डीआईवाई किट मॉडल देख सकते हो किस तरह पहुंचता है, उसी तरह का आपको ये किट मॉडल में किट फॉर्म में पहुंचेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए डिस्प्ले जो नंबर हो रही है उस नंबर पे आप फोन कॉल या व्हाट्सअप कॉल करके ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी सर्विस है, विद इन वीक आपको रिसीव हो जाएगा। एज इट इज सेम मॉडल मिलेगा जो अभी देख रहे हैं और कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप लोग इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम आपको सारा पार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं, सारा पार्ट्स को बताते हैं हमने क्या क्या चीज़ शो किया हुआ है और आगे भी बताएंगे हमने कैसे बनाया है, आप लोग कैसे इसे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमने यहाँ से आपको ले जाते हैं कि जो इस सीन में जो हमने शो किया हुआ है, जो फॉरेस्ट का नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसमें कि आप देख रहे हो इसके अंदर जो बहुत घने जंगल होते हैं यहाँ पे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो यहाँ पे। और ये कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादा डिटेल्स में आपको जब आप बुक में पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको जगह का नाम दिया होगा कि कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट का एक बैकग्राउंड शो किया हुआ जो कि बहुत ज़्यादा घना होता है और इधर भी हमने वही शो किया हुआ। और जो ट्री होता है, ट्री इस तरह कुछ होते हैं, ट्री आप देख रहे हो ये ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट का ट्री है। और यहाँ जो एनिमल होते हैं, एनिमल हमारे जैसे मॉन्की, डीर, एलिफेंट, ये सब जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है तो इसलिए यहाँ पे घने फॉरेस्ट होते हैं। अब क्यों कौन से एरिया में पाए जाते हैं एग्जैक्टली, आपको सारा चीज़ बुक से पढ़नी पड़ेगी। मॉडल हमने क्रिएट किए हुए हैं, मॉडल इस तरह से आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड सीन में शो किया हुआ है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो कि आप देख रहे हैं। और इसमें हमने जो प्लांट्स शो किए हुए हैं, इसके जो आप देख रहे हैं इसके जो अंदर ट्री होते हैं इस तरह से होते हैं। और ट्री यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ट्री शो किए हुए हैं। कुछ हमने यहाँ पे एनिमल्स रखे हुए हैं जैसा लायन होते हैं यहाँ पे, टाइगर हो गया, पिग हो गया, ये सब सारे एनिमल यहाँ पे पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, तो और जो थर्ड में शो किया हुआ है हमने, वो शो किया हुआ है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि आप देख रहे हैं, जो हमारा जैसे साउथ एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कोकोनट ट्री जहाँ पे कोकोनट पाए जाते हैं इस तरह से, कोकोनट हो गया, नारियल और बाकी इस तरह के प्लांट हो जो भी होते हैं ना, तो ये प्लांट हमारे लंबे लंबे जो प्लांट होती हैं। और इस साइड में जो हमने कुछ प्लांट्स किए हुए हैं इस तरह के प्लांट्स होते हैं यहाँ पे। और वहाँ पे एनिमल में टाइगर हो गए आपका, ये हमारा टाइगर बंगाली टाइगर होता है। और यहाँ पे जो ये क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल हो गया आपका, कछुआ हो गया। ठीक है, इस तरह का जो वाटर एनिमल होते हैं, वाटर एनिमल भी पाए जाते हैं यहाँ पे ज़्यादा। तो इसमें हमने ये शो किया हुआ है। बाकी जो फोर्थ सीन है, फोर्थ सीन में हमने शो किया हुआ है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट के अंदर आपको इस तरह का कुछ ट्री नज़र आएंगे, इस तरह का देवदार का ट्री, क्रिसमस ट्री जो होते हैं वहाँ पे, तो इस तरह का ट्री होते हैं। और ये जो एनिमल होते हैं, एनिमल ज़्यादा बड़े बड़े बाल वाले आपके, ये याक मिलेंगे, ये आपको भैर मिलेगा। ठीक है, और ये हमारा रेड पैंडा, और ये आपका फॉक्स, इस तरह का फॉक्स मिलेंगे आपको। तो इस तरह का सीन हमने सारा क्रिएट किए हुए हैं जो कि अलग अलग फॉरेस्ट का अलग अलग ट्री एंड एनिमल को शो किए हुए हैं जो कि आप लोग भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो इसका साइज है, जो बेस का साइज है वो 24x24 इंच का है। और इसको हमने फोर पार्ट में डिवाइड किया हुआ है और अलग अलग पार्ट में अलग अलग सीन क्रिएट किए हुए हैं। और जो बैकग्राउंड में इमेज लगाई हुई है वो सारा इंटरनेट से आपको मिल जाएंगे, गूगल से फाइंड करनी पड़ेगी। और जो यहाँ पे आपको जितनी भी ट्री दिख रही है ये भी हमारे इंटरनेट से निकाल के कटआउट करके कट किए हुए हैं और पीछे से हमने कुछ स्टैंड किए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ बनाते हुए वीडियो देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हो, प्रोजेक्ट सॉल्यूशन DIY, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज हमारे चैनल पर विजिट करके वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग को
ये समझ आ गई होगी। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी सर्विस है, विद इन वीक रिसीव हो जाएगा, एज इट इज सेम मॉडल मिलेगा, तो आप लोग इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए डिस्प्ले जो नंबर हो रही है उस नंबर पे आप फोन कॉल या व्हाट्सअप कॉल करके ऑर्डर बुक कर सकते हो। ठीक है, तो बताइए कैसे लगे कंप्लीट प्रोजेक्ट है हमारा, कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली अपने बच्चों के साथ, ताकि उनको इस तरह का एजुकेशन प्रोजेक्ट और एजुकेशन किट का हेल्प मिल पाए और वो भी अपने कॉलेज के लिए बना पाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।